जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, आने वाला समय अंतराल आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मित्रों। क्योंकि जिंदगी के सारे भेद खुलेंगे, आखिर जो जो दुख आपको मिल रहे हैं वह दुख दूर होंगे बहुत प्रयत्न करने के बाद। तो मित्रों, जिंदगी बदलने वाला यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक होने वाला है। एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और बड़े ही ध्यान से समझना। आइए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों 7 बार ओम हम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो में आपको क्या सावधानियां बरतना पड़ेगी, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, कौन से शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी और कौन से अशुभ समाचार सुनने को आपको मिलेंगे, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताएंगे। मित्रों, आपका वक्त बहुत कीमती है और आपके इसी कीमती वक्त को गवाए बिना हम बात करते हैं। चलिए आपके आने वाले महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, जान लीजिए कि यह समय कैसा व्यतीत होगा। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि जो हुआ उसे भूल जाएं और अब वक्त है आगे बढ़ने का। क्योंकि मित्रों, अगर आपकी गाड़ी एक ही जगह अटकी हुई रह गई तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सभी को बता देते हैं कि यह वक्त बहुत ही शांति से व्यतीत करने का है। जो लक्ष्य आपने तय किए हैं, जो लक्ष्य आपने सोचे हैं, उन्हें आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। अपने नकारात्मक विचारों की वजह से किसी व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार ना करें मित्रों। और महत्वपूर्ण जानकारी आपको वक्त पर मिलेगी। आपको मिलने वाले अवसर की चर्चा बाहरी लोगों के साथ ना करें। आपकी संगत में जो सुधार और बदलाव हो रहा है मित्रों, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ें और काम से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों के साथ परिचय होने से नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, पार्टनर की वजह से जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी, क्योंकि पार्टनर का पूरा सहयोग और पूरा समर्पण आपको मिलेगा। जी हाँ, आप सकारात्मक रहेंगे, दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। यदि आप अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मित्रों, बहुत जल्द ही आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर योजनाएं लागू करने की सलाह दी जाती है। संबंधों में तालमेल बनाकर रखने से मधुरता रहेगी तथा पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का भी आपको हल मिलेगा। मित्रों, बता देते हैं कि अपने प्रेम जीवन को या किसी भी जीवन को, दाम्पत्य जीवन को, माता पिता से संबंधित रिश्ते को, जीवन को सकारात्मक बनाकर आपको रखना होगा। भाइयों के बीच मित्रों भरपूर प्रेम रहेगा और आय का कोई साधन पुनः शुरू होने से आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा और संपर्कों का दायरा बढ़ेगा तथा नई नई जानकारियां भी आपको हासिल होगी। मित्रों, अत्यधिक काम का बोझ आपको तनाव दे सकता है। जी हाँ, खुद को मानसिक तौर से मजबूत रखें और किसी भी प्रकार की आवाजाही करने से आपको परहेज रखना है। विदेश जाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं तो प्रयासरत लोगों को बहुत ही मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। युवा लोग अपने वरिष्ठ जनों से अच्छा व्यवहार रखें। युवा लोगों को सलाह दी जाती है
कि बेकार के वाद विवाद में पड़ के स्वयं की छवि खराब ना करें। बिजनेस में नई उपलब्धियां आपको मिलेगी, लेकिन भविष्य से संबंधित योजनाओं के लिए अभी से ही मेहनत करना जरूरी है। कभी-कभी असमंजस्य की स्थिति रहेगी तो अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना जरूरी होगा मित्रों। और नौकरी पेशा लोग अतिरिक्त कार्यभार की वजह से बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे। घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ने से पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। और मित्रों, किसी विपरीत परिस्थिति के बनने पर आपको खुद में आत्मबल की कमी महसूस होगी और इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। पुराने कर्मों का फल आपको मिलेगा, इसलिए जो बातें नकारात्मक है उसकी वजह से खुद को निराश ना बनाएं। खुद की गलतियों में सुधार करने की जरूरत है और भविष्य से जुड़ी बातें आपके वर्तमान से जुड़ी है। इस बात को समझकर काम करने की कोशिश करते रहें। किसी व्यक्ति के साथ आपको मनमुटाव नहीं रखना है। मित्रों, करियर में बड़ी प्रगति हासिल करना चाहते हैं तो लोगों के साथ जुड़ना होगा और पार्टनर की वजह से जीवन में बदलाव आ सकता है। आपका पार्टनर मित्रों आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और शुगर से संबंधित तकलीफ होने की संभावना है। बता देते हैं, ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो निश्चित लाभ भी मिलेगा और बातचीत द्वारा मुद्दा विवादित मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। यानी कि मित्रों, बैठकर हर समस्या का हल मिलता है, हर मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई व करियर से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। खुश रहने के लिए सभी से सहयोग और स्नेह की भावना रखनी होगी मित्रों। और साथ ही अपने जीवन में इस वक्त थोड़ा सा स्वार्थीपन लेकर आए मित्रों। विद्यार्थियों की पढ़ाई व करियर से संबंधित समस्याओं का समाधान अति ही शीघ्र होगा। और खुश रहने के लिए मित्रों सबके साथ काम करें। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने से मित्रों योग प्रबलता से बने हुए हैं। भूमि या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्जा लेना पड़ सकता है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को जरूर ध्यान में रखें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और स्टाफ का उचित सहयोग रहेगा तथा कार्य प्रणाली भी और अधिक बेहतर होगी। लेकिन पार्टनरशिप में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदायक रह सकता है। अपनी ऑफिशियल फाइलों को किसी भी अन्य व्यक्ति के हाथ में ना दे। मित्रों, पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर मित्रों बात बन सकती है और सिर दर्द या बुखार की समस्या रह सकती है, तो ज़्यादा गरिष्ठ व तला भुला भोजन खाने से परहेज करें। मानसिक और शारीरिक तकलीफ होने से आपको निराशा हो सकती है और बड़े कामों के बारे में इस वक्त विचार ना करें मित्रों। बड़े काम दिक्कत देंगे, छोटे कामों पर अगर आप ध्यान देंगे तो छोटे काम बड़ा लाभ देने की क्षमता रखते हैं। जिस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके प्रयत्न मित्रों सफल है और उससे संबंधित बाधाएं आएगी। मानसिक और शारीरिक रूप से जो थकान है उसे दूर करने के लिए खुद को आराम देने की कोशिश आपको करनी होगी। करियर संबंधित जो बातें अटकी हैं उन्हें आगे बढ़ाना संभव होगा और रिलेशनशिप में अपेक्षा के अनुसार बदलाव ना होने से नकारात्मकता हो सकती है, लेकिन आपको सकारात्मक रहना होगा। मित्रों, नींद से संबंधित परेशानी भी रहेगी, तो आइए
अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मित्रों हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइए।